मतलब ये कि आपने नामांकन किया है जी, क्या कहना चाहते हैं? बस नामांकन हुआ है, पार्टी की तरफ से नामांकन किया है आगामी उपचुनाव के लिए। मुद्दे रहेंगे, मुद्दे हमारे बहुत पुराने हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो कमेरों के मुद्दे हैं, जो किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, खाद महंगी हो रही है, दलित वर्गों को उत्पीड़न हो रहा है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, वही मुद्दे हैं कि उनको सुरक्षा, उनमें एक सुरक्षा का भाव स्थापित किया जाए। देखिए ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज हमने पहली बार देखी। हम बाबा साहब की मूर्ति में देखिए, जब मुख्य कचहरी है और वहाँ पर बाबा संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति है, तो निश्चित रूप से सभी पता है जो भी प्रत्याशी जाएगा वहाँ जरूर माल्यार्पण करेगा जो संविधान में विश्वास रखता है। हम वह विश्वास वहाँ पर ताला लगा दिया गया। अभिषेक चौधरी बीजेपी में चले गए हैं, कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए लोकतंत्र को कहीं भी जा सकता है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दे इस वक्त किसानों के, और किसान वर्ग जो है परेशान है और किसान पूर्ण रूप से गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। आप कल फुलत गांव में गए थे, दलित बस्ती से ही आपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, क्या कारण रहा दलित बस्ती से ही शुरुआत करने का आपका? देखिए उसका कारण ये रहा, हम सदैव से ही अत्याचार के खिलाफ रहे हैं, जिस पे अत्याचार हुए और विशेष तौर से उस वर्ग पर जो वैसे ही मतलब सदियों तक सताया गया है, हैं? उसको आज लोकतंत्र में भी सताया जा रहा है। आपने देखा होगा वो एक आरक्षण की मांग कर रहे थे, उन पे गोलियां चलाई गई, वो बेचारे शहीद हुए और वहाँ में काफ़ी लोग गांव छोड़कर पंजाब में नौकरी कर रहे हैं। तो हमने ये तय कर लिया कि हम उनको सांत्वना भी देंगे और उनके दुख सुख में भागीदार भी होंगे और उन्हें हम आगे भी बढ़ाएंगे भविष्य में। मतलब ये आपको बाहुबली कहा जाता है, आपको बाहुबली कहा जाता है, तो क्या इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा? अब ये आप भी सामने देखते रहना। भाई साहब।